अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है वो कुछ डेज़ के क्लिप्स जो हैं वो मैं ऐड कर दूंगी एक ही व्लॉग में, क्योंकि बहुत बिजी जो है स्केड्यूल है हमारा इस वक्त। जैसे कि मेरे नेफ्यूज़ आए हुए हैं बाहर से, मेरी सिस्टर आई हुई है, तो उनके साथ जो है हम काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। और आपको पता है फिर बच्चों के साथ टाइम जो है वो काफ़ी बिजी हो जाता है। तो बस यहाँ जी हम उर्दू बाज़ार आए हुए हैं, कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, स्केच बुक, कलर्स, पेंसिल, ताकि वो किसी ना किसी एक्टिविटी में जो है वो बिज़ी भी रहें। तो यहाँ पर जी होल सेल शॉप है और यहाँ पे ये होलसेल में ही चीज़ें देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम सेपरेट भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ से हम वो चीज़ें ले रहे हैं, जैसे स्केच बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, रेजर्स हैं, रेज़र और शार्पनर्स वगैरह जो हैं वो ये होल देते हैं। और यहाँ पे जिनके पास काफ़ी वैरायटी थी, नीचे भी एक फ्लोर था, ऊपर भी था, ग्राउंड फ्लोर भी, तो यहाँ पे जी एक्टिविटी टॉयज़ भी थे, इंफॉर्मेशनल टॉयज़ भी थे, एजुकेशनल टॉयज़ भी थे, काफ़ी कुछ वैरायटी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने विज़िट किया और लेके उसके बाद हम घर आ गए। यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ और केक जो है वो बचा हुआ था मैं वो खा रही हूँ। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग और अभी टाइम हुआ है 2:30। यहाँ पे हमें कुछ काम था उसके लिए आए हुए थे और बच्चे जो हैं फिर यहाँ पे बाग सा बना हुआ था वहाँ इंजॉय कर रहे थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो हमने सोचा यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ के वेट करते हैं और बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। जुरेज जो है वो सो गया था तो मैंने उसको कार में ही लिटा दिया था। तो जी उसके बाद हम आए थे इम्पोरियम बच्चा पार्टी, क्योंकि यहाँ पे जो है मुस्तफ़ास फेवरेट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं हॉट व्हील्स, तो बस हम वही लेने आए थे। और अभी वहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि उसने कौन सी हॉट व्हील्स लेनी है। इसके अलावा बच्चों को जो हमने प्रैम में बिठाया हुआ था, क्योंकि वो बहुत शोर में चाह रहे थे कि हम उतरें और टॉयज़ वगैरह जो उनको देखें। बहुत ही अच्छी शॉपिंग प्लेस है, अंडर वन रूफ आपको बच्चों की ईच एंड एवरी थिंग जो है वो यहाँ से मिल जाती है। बच्चों के ड्रेसेस, शूज, टॉयज, एजुकेशनल थिंग्स, हर चीज़ जो है यहाँ अवेलेबल होती है। और यहाँ पे जी मुस्तफ़ा अभी तक डिसाइड नहीं कर सका कि उसने कितनी और कौन सी हॉट व्हील्स लेनी है। तो जी फाइनली मुस्तफ़ा ने तो हॉट व्हील्स ले ली थी, लेकिन बच्चों ने यहाँ पे देख के, ये हाउस बना हुआ था और यहाँ पे देख के वो रह नहीं सके और यहाँ उन्होंने खूब इंजॉय किया। काफ़ी देर जो हम खड़े रहे क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ खेल रहे थे। तो बस यहाँ पे जी हम काफ़ी देर वेट करते रहे, बच्चे जो हैं खेलते रहे, स्लाइड लेते रहे, अंदर जाते रहे, बाहर आते रहे। छोटे टॉयज से लेके बड़े टॉयज तक हर चीज़ जो यहाँ अवेलेबल होती है। यहाँ से मैंने जुरेज़ की काफ़ी चीज़ें ली थी, जुरेज़ की बॉर्न बेबी शॉपिंग जो वो मैंने यहीं से की थी, उसकी शूज़, रैपिंग शीट्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैंने यहीं से ली थी। तो जी यहाँ पे तुर्क आइसक्रीम स्टेशन है तो हमने सोचा क्यों ना आइसक्रीम ले ली जाए। तो जी इस पूरी वीडियो में जो है वो म्यूज़िक है और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी किसी भी वीडियोज़ में जो है वो म्यूज़िक ना हो, तो यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया म्यूज़िक। तो जी ये स्टेशन जहाँ भी होते हैं तुर्क स्टेशन, ये बड़े स्टाइल से जो है वो आइसक्रीम सेल करते हैं, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं उनके पास इस तरीके से जो ये आइसक्रीम सेल करते हैं। जी आइसक्रीम कोन जो होती है यहाँ पे स्लिप हो गई थी, तो खैर अब यहाँ पे न्यू आइसक्रीम कोन जो है वो आ गई है। थ्री हंड्रेड का जो है वो एक स्कूप था और बहुत ही मज़े की आइसक्रीम थी इनकी। तो जी यहाँ पे जो है फाइनल शो ख़त्म हो गया और हमने आइसक्रीम इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। तो जी बस उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो की और बच्चों ने इतना तंग किया, वीडियो में देख सकते हैं। तो बस उसको बच्चों को संभालते संभालते ही जो है आधा टाइम जो है वो गुजर जाता है। बस उसके बाद जो है हमने खाना ऑर्डर किया, क्योंकि इतनी थकावट के बाद खाना तो बनता था। फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने बर्गर यहाँ के खाए थे तो बहुत मज़े का टेस्ट था, और पिज़्ज़ा जो है वो पपाइज़ का था वो भी बहुत अच्छा था। तो बस इसके बाद हम घर आ गए थे और यहाँ पे जी हम आए हुए हैं अपनी कज़न की बेटी के हकीके पे, और ये देखें सारी डेकोरेशन कितनी खूबसूरत लग रही है। और जी ब्यूटीफुल सा जो केक है वो अनबॉक्स हो गया, ये देखें।
तो यहाँ पे केक का अनबॉक्स कर लिया और यहाँ पे केक थोड़ा सा डेकोरेट हो रहा है कैंडल्स वगैरह से। जी यहाँ पे वेट हो रहा था कि बाकी गेट्स जो हैं जितने भी वो आ जाएं, और बच्चे जो हैं खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब खेल रहे थे, और यहाँ पे जुरेस को जो है वो बैलून्स चाहिए थे। अच्छा 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 और जी यहाँ पे अब फोटो सेशन स्टार्ट हो गया था, सारी फैमिली वाइज जो है पिक्चर्स उतर रही थी। तो जी पिक्चर्स वगैरह ले ली थी और अब यहाँ पे केक कट होने लगा है। तो यहाँ पे मैं जुरेस का दूध जो है वो गर्म कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने खूब शोर मचाया हुआ था, खूब इंजॉय कर रहे थे, खेल भी रहे थे, फाइटिंग भी हो रही थी और ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो जी अब है खाने का टाइम और यहाँ पे खाने की तैयारियाँ हो रही हैं। तो जी यहाँ पे अब दारिया का फ़ोटोशूट हो रहा है। नेक्स्ट तो जी यहाँ पे अब खाना खुल चुका है, आप सब खाना खाएंगे। तो जी बस हमने इसके बाद खाना खाया और इस दौरान मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं किया। और ये देखें केक जो है वो भी खाया जा चुका था, बहुत ही मज़े का केक था। और इसके अलावा अब ग्रीन टी का टाइम है। तो जी ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, बल्कि ये कुछ हफ्ते का व्लॉग जो है वो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स में जो है वो आपको दिखाया है। तो आगे जो है मैं रेगुलर व्लॉग इंशाल्लाह डालूंगी इस व्लॉग के बाद। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।